न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड वर्ल्ड कप T20 मैच दोस्तों कल खेले जाने वाला है। और इस मैच पे अगर आप लोग भी अपनी फैंटेसी की टीम बनाने वाले हो ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, अगर बात करूं वेन्यू की, तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पे ये मैच होने वाला है। स्टेडियम के बारे में तो अब आप सभी लोगों को सब कुछ पता होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो लास्ट मैच था वो इसी वेन्यू पे हुआ था। ठीक है, स्ट्रेट बाउंड्रीज छोटी है, बट जो आप लोगों की स्क्वायर बाउंड्रीज होती है ना, वो बहुत बड़ी है दोस्तों यहां पर। और यहां पर स्पिनर के लिए कुछ खास नहीं है, मेजर एडवांटेज यहां पर पेसर को ही है। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ओवर में स्पिनर से भी पेस बॉलिंग ही यहां पर कराया जा रहा था। ठीक है, तो इसी पॉइंट को ध्यान पे रखते हुए आप लोगों ने अपने लिए टीम बनाना है। एवरेज स्कोर इस वेन्यू का 140 रन के आसपास जाता है, तो उसी हिसाब से टीम को क्रिएट करेंगे। बट बैक ऑफ द माइंड बात एक पक्का सी रहेगी दिमाग पे, इंग्लैंड की टीम आयरलैंड की टीम के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, चाहे मैं बात कर लूं बैटिंग सेक्शन की, चाहे मैं बात कर लूं बॉलिंग सेक्शन की। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो इंग्लैंड ने अपना मैच अफगानिस्तान के साथ खेला था, मैच को इजिली विन कर लिया था। और आयरलैंड ने अपना मैच श्रीलंका के साथ खेला था और आयरलैंड उस मैच को हार गई थी। बट क्वालिफायर राउंड पे आयरलैंड ने अपने 3 मैचेस खेले थे और तीनों के तीनों मैचेस जीत कर ही आई थी। बट दोस्तों यहां पर ना इंग्लैंड ही इस मैच को जीतने वाली है, तो उसी चीज को दिमाग पे फोकस करते हुए हम लोगों ने अपने लिए टीम बनाना है। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप सभी लोगों के लिए 10,000 रुपीज का एक फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट भी है, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के दौरान पूछे गए एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को यहां पर इंग्लैंड की टीम पे जॉस बटलर खेलते हुए दिखते हैं, वहीं आयरलैंड की टीम पे आप लोगों को लॉर्कन टकर खेलते हुए दिखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है वेन्यू के बारे में कि यहां का जो पिच है वो बहुत बड़ा है, स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, स्ट्रेट पे थोड़ा सा बाउंड्रीज क्या है ठीक ठाक है। मतलब बैट्समैन क्या करता है, प्रिफेयर करता है कि हिट सीधा ही मारूं। प्लस यहां पेसर को काफी एडवांटेज है, इनिशियली बॉल काफी स्विंग होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? ओके, अब आ जाओ इंग्लैंड के विकेट कीपर वाले सेक्शन पे। जॉस बटलर अगर मैं बात करूं, मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों, स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अपने टीम पर लेकर ही चलना है। कैप्टन और वाइस कैप्टन का एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहेगा, कैप्टन का एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहेगा अगर इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में यहां पर बैटिंग करने आती है। क्यों? क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में ऐसा हो सकता है कि आयरलैंड की टीम ज्यादा बड़ा स्कोर ना दे पाए और बॉलिंग वाले सेक्शन से कोई ना कोई एक बॉलर 3 या 4 विकेट लेकर निकल जाए, तो वही आप लोगों के लिए कैप्टन बन जाएगा। बट हाँ, इंग्लैंड की टीम यहां पर पहले बैटिंग करती है तो जॉस बटलर को पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस केस में मैं इसे कैप्टन लेकर जाऊंगा। और हाँ, अगर टीम यहां पर चेस करेगी तो मैं इसे वाइस कैप्टन लेकर जा सकता हूं। क्लियर? एक एडवांटेज ये है ना, विकेट के पीछे खड़ा रहेगा, कुछ कैचेस और स्टंपिंग के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। बाकी आयरलैंड के विकेट कीपर वाले सेक्शन पे आप लोगों को लॉर्कन टकर दिखते हैं। ठीक है, 46 मैच पे 19 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 84 का है, 50 चार बार बना चुके हैं। प्लेयर ठीक है, अच्छे प्लेयर है, बट स्टिल मैं अपने टीम पे इन्हें ड्रॉप करके चलूंगा। क्लियर? तो विकेट कीपर वाले सेक्शन से एक प्लेयर होगा और वो प्लेयर मेरे लिए जॉस बटलर होगा, चाहे बात करूं स्मॉल लीग की, चाहे बात करूं मेगा ग्रैंड लीग की। अब आ जाओ दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन पे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो तुरंत के तुरंत माई 11 सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो। क्यों डाउनलोड करना है दोस्तों? यहां पर आप लोगों को हर मैच पे मौका मिलता है मेगा ग्रैंड लीग कॉम्पिटिशन पे महिंद्रा थार विन करने का। साथ ही साथ मेरे दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड करते हो दोस्तों, तो आप लोगों को 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिलता है और अपने फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलता है। तो इन सारे के सारे जितने भी आप लोगों को ऑफर है ना, वो मिलेगा अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को डाउनलोड करोगे। ठीक है, इसके लिए जो ये 20% एक्स्ट्रा कैश है ना, इसके लिए कोड है दोस्तों क्रिक 20, इसे पक्का से सभी के सभी लोग यूज कर लेना।
ठीक है, इस कोड को पक्का से यूज करना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ऐप का लिंक है, पक्का से ऐप को डाउनलोड करना। मतलब जितने भी लोग सुन रहे हो और अभी तक आप लोगों के पास यह ऐप डाउनलोड नहीं है तो नीचे लिंक के थ्रू पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं दोबारा से बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप पे आप लोगों को दिखते हैं एलेक्स हिल्स, डेविड मलार, लियाम लिविंगस्टोन और हैरी ब्रूक। वहीं बात करूं आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप की तो आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप पे आप लोगों को दिखते हैं पॉल स्टेरलिंग, एंडी बेलबर्नी, हैरी टेक्टर और जॉर्ज डॉकरे। ओके, अब यहां पर देखो एलेक्स हेल्स की अगर मैं बात करूं तो 70 मैच में 29 का इनका एवरेज है, बट देखो अपोनेंट साइड की टीम के बॉलिंग सेक्शन थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, जो रेगुलर बॉलर है वो थोड़े से मतलब कमजोर तो नहीं बोलूंगा, वैसे जोशुआ लिटिल की अच्छी बॉलिंग है, मार्क आर्डर की अच्छी बॉलिंग है, बट स्टिल अगर कंपेयर करूं इंग्लैंड के साथ ना तो थोड़े से कमजोर लगते हैं। लास्ट के 5 मैच में एक मैच में इंपैक्टफुल पारी खेली है 84 रन की, बट प्लेयर शानदार है दोस्तों, आप लोग इस प्लेयर को मिस नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलरली इस मैच पे एलेक्स हेल्स आप लोगों के टीम पर होना ही चाहिए। डेविड मलान की अगर मैं बात करूं, डेविड मलान दोस्तों शानदार प्लेयर है, 52 मैच पे 38 का इनका एवरेज है। ठीक है, लास्ट के कुछ मैच से फॉर्म पे अच्छा नहीं है, ठीक है, एक ही बार 82 और 78 रन बनाया है, बट इस मैच के लिए ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, इसे भी ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। लियाम लिविंगस्टोन की अगर मैं बात करूं तो लियाम लिविंगस्टोन आप लोगों को थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलते हुए दिखते हैं, इससे पहले बेन स्ट्रोक खेलने आएंगे, तो लियाम लिविंगस्टोन को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो अगर इंग्लैंड की टीम चेस करेगी। अगर इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है और अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे हो तो लियाम लिविंगस्टोन और हैरी ब्रूक को आप लोग अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए आप लोग इन दोनों प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। वही बात करूं अब आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप पे तो पॉल स्टेरलिंग और एंडी बेलबर्नी आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहां देखो पॉल स्टेरलिंग को देखो तो एक मैच में 34 रन, एक मैच में 66 रन, 118 मैच 28 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 115, 50-21 बार 100 एक बार बना रखा है। एंडी बेलबर्नी उतने कुछ खास फॉर्म पर नहीं है, आप लोग एंडी बेलबर्नी को ड्रॉप करके चल सकते हो। जॉर्ज डॉकरेल की अगर मैं बात करूं तो जॉर्ज डॉकरेल ने 2 मैच में 24 और 29 रन की पारी खेली थी, फिर उसके बाद बैटिंग नहीं किया, फिर उसके बाद 14 रन की पारी खेली थी। 4 डाउन पोजीशन पे आते हैं, जॉर्ज डॉकरेल को भी मैं ड्रॉप करके चलूंगा। यहां से मेरे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो पॉल स्टेरलिंग या हैरी टेक्टर, इन दोनों में से मैं एक प्लेयर को लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूं बॉलिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों। ठीक है, आयरलैंड के अब मुझे देखो आयरलैंड के मुझे कम से कम 4 प्लेयर तो लेने ही है, विकेट कीपर वाले सेक्शन से मैंने प्लेयर नहीं लिया है, तो मुझे यहां से आयरलैंड के कम एक प्लेयर को तो चूज करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो यहां पर देखो यहां से मैं एलेक्स हेल्स को ले लूंगा, यहां से मैं डेविड मलान को ले लूंगा, यहां से आप लोग पॉल स्टेरिंग और हैरी ब्रूक हैरी टेक्टर में से किसी एक प्लेयर को ले सकते हो, या तो क्या किया जा सकता है इन दोनों को फॉर द टाइमिंग आप राइट मान के चलो कि अभी के टाइम पे इन दोनों को लेते हैं, फाइनल टीम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग इन प्लेयर को चेंज कर सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर बैटिंग वाले सेक्शन से किसी एक प्लेयर को रखना है तो वो आप लोगों के लिए डेविड मलान बन सकते हैं, मेगा ग्रैंड लीग पे एलेक्स हेल्स को भी ट्राई किया जा सकता है। क्लियर, ओके, वैसे बैटिंग फ्रेंडली पिच के बदले ना ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, ऑलराउंडर वाले सेक्शन से पहले आज के गिव अवे का क्वेश्चन सुन लो दोस्तों। आज के गिव अवे का क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज के इस मैच का कैप्टन कौन बनेगा और उसके कितने पॉइंट्स होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आज के मैच का कैप्टन कौन बनेगा उसके कितने पॉइंट्स होंगे, सही जवाब ₹10,000 आपका। क्लियर, ओके, अब आ जाओ आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे बेन स्ट्रोक, मोइंग अली और सैम करन देखेंगे आप लोगों को। देखो सैम करन डेथ पे बॉलिंग डालते हैं और अभी के टाइम पे ना रीसेंट फॉर्म सैम करन का बहुत ही तगड़ा है, हर मैच में विकेट्स है। ठीक है, एक सैम करन मस्ट पिक प्लेयर हो गए। बेन स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो देखो पिच क्योंकि स्पिन को सपोर्ट नहीं करती है तो मोइंग अली से यहां बॉलिंग नहीं कराया जाएगा, अगर बॉलिंग नहीं कराया जाता है तो फिफ्थ डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मोइंग अली को ड्रॉप कर दो। बेन स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो बेन स्ट्रोक सेकंड डाउन पोजीशन पे खेलने आता है,
डेविड मलान के बाद खेलने आएगा, बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, बॉलिंग पे अच्छे बॉलिंग के फॉर्म पर था, प्लस यहाँ की जो पिच है वो भी बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है, और अपोनेंट साइड आयरलैंड की टीम है तो वहां पर विकेट मिलने के भी चांसेस ज्यादा है, इसीलिए बेन स्टोक्स को भी आप लोगों ने अपने टीम पर पिक करना है। ओके, अगर बात करूं आयरलैंड के ऑलराउंडर के सेक्शन की तो यहां पर आप लोगों को क्यूटिस कैंपर, जी डेलनी और सिमी सिंह दिखते हैं, ठीक है ना। ओके, क्यूटिस कैंपर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड डाउन पोजीशन पे आते हैं, ये आप लोगों को बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हुए दिख सकते हैं स्पेशल इस वेन्यू पे, ठीक है ना। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, थर्ड डाउन पोजीशन पे आते हैं, 25 मैच पे 21 का इनका एवरेज है और 20 विकेट है इनके पास, अच्छे ऑलराउंडर है, अपने टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं दोस्तों, आप लोगों ने क्यूटिस कैंपर को भी पिक करके चलना। ग्रेथ डेनली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, यहां एक बार 3 विकेट मिला था, यहां एक बार 1 विकेट मिला है, 53 मैच में 19 का एवरेज है, 33 विकेट है, 50 तीन बार बना चुके हैं। सिमी सिंह की अगर मैं बात करूं तो 53 मैच में 10 का एवरेज है, 44 विकेट है, बट जैसा कि मैंने बताया था वेन्यू पे स्पिनर के लिए कुछ खास नहीं है तो सिमी सिंह को यहां पर ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जे डेलनी की अगर मैं बात करूं ना तो डेलनी को मुझे ऐसा है ना, या तो मैं जी डेलनी को लूंगा, या मैं लूंगा आप लोगों के पॉल स्टेरलिंग को, या मैं लूंगा हैरी टैक्टर को, मतलब ये तीन में से मैं दो प्लेयर लेकर चलूंगा, क्योंकि बॉलिंग वाले सेक्शन से मैं एक प्लेयर को लेने वाला हूं, क्लियर। तो क्यूटिस कैंपर तो फिक्स हो गए, पॉल स्टेरलिंग और आप लोगों के पास हैरी टैक्टर और आप लोगों के पास जी डेलनी, तो एच टेक्टर को आप लोग लेकर चल सकते हो, बाकी जी डेलनी और पॉल स्टेरलिंग के बीच में जो भी प्लेयर लेना है वो अब आपके ऊपर है, किसे आप लोग लेना चाहते हो। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप स्टार्टिंग में बहुत ही सही है, ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे पेसर दिखेंगे जो बॉल को मूव करेंगे, तो उस टाइम पे पॉल स्टेरलिंग पिच पे खड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना। और पॉल स्टेरलिंग कैसा खेलता है, अंधाधुन खेलता है, कभी भी एज लग के बॉल ऊपर जाएगा और कैच आउट होने के चांसेस ज्यादा है। बाद में थोड़ा सा टीम अगर स्टेबल हो जाएगा और बॉलिंग का भी एक एडवांटेज आप लोगों को रहेगा तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेलनी को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप किसे प्रायोरिटी दोगे, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया आप लोगों के सामने, क्लियर। अच्छा, कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर दोस्तों, यहां से आप लोगों के लिए बेन स्टोक, एक सैम करन, स्पेशली अगर आपकी इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो सैम करन एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, अगर इंग्लैंड की टीम सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो बेन स्टोक अच्छे ऑप्शन रहेंगे सेकंड इनिंग्स में, याद रखना बेन स्टोक सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि डेथ का कंसेप्ट ही नहीं होगा, तो आयरलैंड की टीम ऐसा हो सकता है कि पूरा 20 ओवर भी ना खेले उससे ही पहले आउट हो जाए, क्लियर। ओके, अब आ जाओ दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन पे, बॉलिंग वाले सेक्शन से देखो, यहां पर आप लोगों को क्रिस वोक्स खेलते हुए दिखेंगे, आप लोगों को आदिल राशिद दिखेंगे और आप लोगों को मार्क वुड दिखेंगे, क्लियर। अब देखो, क्रिस वोक्स को आप लोगों ने टीम पर लेना है, आप लोगों ने अपने टीम पे मार्क वुड को लेना है, इन दोनों को तो लेना ही है आप लोगों ने। अब आयरलैंड की टीम की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को जोशुआ लिटिल, मार्क आर्डिर और बैरी मैकार्थी खेलते हुए दिखते हैं। जोशुआ लिटिल आप लोगों को ओपन और डेथ पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, लास्ट के दो मैच से इन्हें विकेट नहीं मिले हैं, 45 मैच में 55 विकेट है। वहीं मार्क आर्डिर को देखोगे तो इन्हें भी विकेट नहीं मिले हैं, 55 मैच में 75 विकेट है इनके पास, और बैरी मैकार्थी को एक विकेट मिले हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि आयरलैंड के जो पेस अटैक है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्लियर। तो यहां से आप लोगों के पास क्रिस वोक्स फिक्स हो जाएगा, मार्क वुड फिक्स हो जाएगा, और यहां से आप लोग जोशुआ लिटिल और मार्क आर्डिर के बीच में डिफरेंशियल बनाकर चलोगे। स्मॉल लीग की टीम होगी तो जोशुआ लिटिल को लेकर चलना, क्योंकि आपका अपोनेंट जोशुआ लिटिल को ही लेकर आएगा, क्लियर। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर, मार्क वुड एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के लिए, सीवीसी के कंटेंडर के लिए, अच्छी स्पीड से बॉलिंग निकालते हैं, पेस भी निकालते हैं, बाउंस भी निकालते हैं, और जो वेन्यू है मेलबर्न का वो भी इन्हें पूरा सपोर्ट करेगा, तो मार्क वुड एक बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के। अभी के टाइम पे जो टीम मैंने बनाया है उस टीम को आप लोग देखो, कुछ चेंजेस होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां देखो तो यहां पर मेरे पास जॉस बटलर है, मेरे पास डी मलान है, डेविड मलान है, एलेक्स हेल्स है, बेन स्टोक्स है, सैम करन है, मार्क वुड है और क्रिस वोक्स है। अब इन प्लेयर में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास क्यूटिस कैंपर भी है, ये भी मुझे अपने टीम पर लेकर ही चलना है, मेरे पास जोशुआ लिटिल है, इसके बदले मैं यहां पर मार्क आर्डिर को ट्राई कर सकता हूं डिफरेंशियली। अच्छा,
एक चीज है यहां पर, मैं हैरी ट्रैक्टर को भी लेकर चलूंगा, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर अगर पॉल स्टीयरिंग को ड्रॉप किया जाता है तो यहां पर आप लोग लेकर चलोगे जी डेलेनी को, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, मैंने आप लोगों को दोनों कंडीशंस बता दिया। वैसे जे डेलेनी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा मेरे हिसाब से, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा। पॉल स्टीयरिंग बॉलिंग नहीं करता है आजकल, ठीक है, पहले करता था, अब बॉलिंग नहीं करता है, ठीक है। तो जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, एच ट्रैक्टर, डेविड मलान, बेन स्टोक, जे डेलेनी, सैम करन, क्यूटी स्कैम्पर, क्रिस वोक्स, यहां पर डिफरेंशियल है मार्क आर्डिरिया, जोशुआ लिटिल, और यहां पर आप लोगों के लिए मार्क वुड। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर, देखो अगर इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है तो मार्क वुड एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के। दूसरे ऑप्शन रहेंगे जॉस बटलर कैप्टन और वाइस कैप्टन के, क्लियर, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेरी अभी के टाइम पे टीम, बस इस टीम पे चेंजेस हो सकते हैं। अपडेट कहां पर दे दूंगा? टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ग्रुप का लिंक है। ओके दोस्तों, तो यही है आज के इस वीडियो में। होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी माई इलेवन सर्कल ऐप, जिस ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और अभी तक आप लोगों के पास ये ऐप नहीं है ना, तो तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाओ, लिंक को क्लिक करके ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस मैच के लिए। होपफुली आप सभी लोग इस मैच पे अच्छा करके आओगे। धन्यवाद दोस्तों। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।